Morning students, welcome to the science class. Today in this class we will proceed our chapter physical and chemical changes. In today's class we will discuss various activities in which we can observe chemical changes. आज हम कुछ activities को पढ़ेंगे जिसमें हम chemical change को observe करेंगे. ठीक है, observe करेंगे कि कहाँ कैसे ये chemical change है. Now first of all activity 6.7. What is given in this activity? What you have to do? Dissolve about a teaspoonful of copper sulfate, blue vitriol or nila thotha in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. आपको क्या करना है? आपको एक बीकर लेना है या ग्लास का कोई टबलर लेना है. उसमें आपको एक चम्मच कॉपर सल्फेट के ब्लू रंग के क्रिस्टल्स होते हैं, वो कॉपर सल्फेट के ब्लू रंग के क्रिस्टल्स आपको एक चम्मच जो है उसको एक कप पानी डालना है बीकर में. ठीक है, और उस एक चम्मच कॉपर सल्फेट को उसमें डिसॉल्व करना है, घोलना है. नाउ आफ्टर दिस आपको क्या करना है, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन. फिर आपको कुछ बूंदें डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उसमें डालनी है, H2SO4 की एसिड की उसमें कुछ बूंदें डाल देनी है उस बीकर में. You will get a blue colored solution. आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, इसलिए जो वो पानी में घुलेगा तो आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा. Now save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. अब उसमें से जो बीकर में आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन आप अलग एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लीजिए, जिससे कि आप उसको बाद में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ में ले सकें. तो थोड़ा सा सॉल्यूशन को आप अलग से निकाल लो. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इन टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन. अब आपके पास जो बीकर में सॉल्यूशन है उसमें आपको या तो आप एक नेल डाल दो. ठीक है, नेल डाल दो, आयरन नेल डाल दो, या आप शेविंग ब्लेड जो होती है उसको डाल दो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में. नाउ अब आपको क्या करना है, आपको आधा घंटा वेट करना है, वेट फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे तक वेट कीजिए एंड देन ऑब्जर्व द सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व द केमिकल चेंज. नाउ कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली. आधे घंटे बाद में आप ये देखिए कि बीकर में जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसके कलर कैसा हुआ, उसके कलर पे क्या चेंज आया, उसको ऑब्जर्व करो आप. ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्यूशन आप अलग रख लो, जो आपने अलग से सॉल्यूशन रखा था उससे उस कलर को कंपेयर करो आप, क्या अंतर है. वो ब्लू कलर का था क्या, अभी भी आधे घंटे बाद में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का है, वो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो आपको क्या लगेगा, जैसे इस डायग्राम में दे रखा है फिगर 6.4, पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर ऐसा था, ठीक है, ऐसा ब्लू कलर का था, लेकिन हाफ एन आवर बाद में आप ये देखोगे जो है सॉल्यूशन इस तरह का हो जाएगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा ब्लू से. ऐसा क्यों हुआ, केमिकल चेंज है. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जहाँ कहीं केमिकल चेंज होता है वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है. यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपने बनाया था उसमें ब्लेड डाली थी. अब क्या है कि ब्लेड आयरन की बनी है और आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्शन करता है, तो वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर उसके अपने ऊपर खींच लेगा. ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर जो है वो आयरन के ऊपर जमा हो जाएगा, इस वजह से आयरन ब्लेड जो है वो ब्राउन हो जाएगी, ब्राउन कलर की, क्योंकि इसमें कॉपर का डिपोजिशन हो गया. और आयरन जो ब्लेड पे था वो आयरन धीरे धीरे खुद सॉल्यूशन में चला जाएगा, इसलिए अब जो नया सॉल्यूशन जो ग्रीन है वो अब कॉपर सल्फेट नहीं है, वो किसका है, वो आयरन सल्फेट का है, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण उसने कॉपर को कॉपर सल्फेट में से हटाकर खुद अपना सॉल्यूशन बना लिया आयरन सल्फेट. ओके, और कॉपर फिर कहाँ चला गया, कॉपर ब्लेड के ऊपर जमा हो गया, जो कि ब्राउन ब्लेड के रूप में आपको दिखाई देगा. तो यहाँ पर ये केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में क्या होगा, चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन. आयरन के साथ रिएक्शन होने के कारण कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कलर में आपको चेंज ऑब्जर्व होगा. ओके, नाउ सो इन दिस वे यू हैव ऑब्जर्व द चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन.
टेक आउट द नेल ऑल द ब्लेड, आपने जो नेल डाली है ब्लेड डाली है उसको भी उस सॉल्यूशन में से निकालिए. हैज़ इट चेंज इन एनी वे, क्या इसमें भी चेंज हुआ है? जैसे मैंने आपको बताया यस, उसका कलर जो है ब्राउन हो जाएगा. द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. ये चेंजेस क्यों हुए हैं? यहाँ पर रिएक्शन हुई है कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बीच में. कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बीच में जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? सो व्हाट हैपन्स, द चेंज ऑफ, नाउ द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन, द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, अ न्यू सब्सटेंस. अब वो ग्रीन क्यों हुआ सॉल्यूशन? क्योंकि आप जो नया बना है वो क्या बना है? आयरन सल्फेट बन गया, FeSO4. Fe किसका सिंबल होता है? आयरन का, ठीक है. और कॉपर का क्या सिंबल होता है? Cu, कैपिटल C स्मॉल U, ठीक है. तो Cu, तो अब नया जो बना है वो क्या बना है? अब जो नया बना है सॉल्यूशन वो बना है FeSO4 का, ठीक है. जो नया सॉल्यूशन बना है वो किसका बना है? FeSO4, FeSO4 का सॉल्यूशन, नया सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है जो ग्रीन कलर का है. और पहले क्या था? ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसका था? ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका CuSO4 का था, ठीक है. ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका CuSO4 का था, ठीक है. तो ब्लू कलर फेड हो गया और ग्रीन कलर मिल गया. और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन क्या है? वो आयरन सल्फेट है, FeSO4. ओके, नाउ द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर. जो ब्राउन डिपॉजिट हुआ है, जो आपकी आयरन नेल जो है वो भूरी कलर की हुई है, ब्राउन कलर की हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया? कॉपर डिपॉजिट हो गया, इसलिए वो ब्राउन कलर की हो गई. वो भी एक नया सब्सटेंस बन गया, ओके. वो भी एक नई चीज़ बन गई. तो ये वाला जो एक्टिविटी है ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है. क्या एक्टिविटी है? जिसमें आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक आयरन नेल या ब्लेड डिप करोगे तो आप देखोगे ब्लेड का रंग भी चेंज हो जाएगा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग भी ब्लू से ग्रीन हो जाएगा. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज. यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है. व्हेनेवर देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन देयर इज़ अ केमिकल चेंज. जहाँ कहीं केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ केमिकल चेंज होगा. सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था प्लस आयरन, उसमें आयरन नेल आपने जो है आयरन ब्लेड आपने डाली, तो रिजल्ट एरो के उस साइड में राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे रिएक्शन के बाद में क्या बना. रिएक्शन के बाद में आपको क्या बना? आपके इस रिएक्शन में बना आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का था प्लस कॉपर जो कि ब्राउन डिपॉजिट के रूप में आपको किस में दिख रहा है? ब्लेड के ऊपर. तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है. सो दिस एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 6.8. व्हाट इज गिवन इन दिस एक्टिविटी? और क्या करना है आपको? टेक अबाउट 1 teaspoonful ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब. आपको 1 चम्मच विनेगर एक टेस्ट ट्यूब में लेना है. विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं, ये घर में भी यूज़ में आता है, लैब में होता है, घरों में भी लोग इसको खाने के आइटम्स में डालते हैं. अच्छा, पिकल में डलता है, चाउमिंग्स वगैरह में भी डलता है. तो विनेगर आपको 1 चम्मच लेना है. नाउ एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट. फिर उस विनेगर में आपको एक चुटकी भरकर आपको बेकिंग सोडा डालना है. बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको साइंस में. तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट 1 पिंच डालना है उसमें. यू वुड हियर ए हिजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट. जैसे ही आप उसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डालोगे विनेगर में, आपको एक हिजिंग साउंड ऑब्जर्व होगी, एक तेज़ी से गैस निकलती हुई आपको टेस्ट ट्यूब से नज़र आएगी. सो दैट इज़ अ केमिकल चेंज. क्योंकि गैस इवॉल्व हुई है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है. अब आप इस गैस को अगर आप बाहर ना निकलने दो बल्कि कंट्रोल्ड कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करो, आप टेस्ट ट्यूब में एक कॉर्क लगाकर उस पर छेद करके एक दूसरी ट्यूब उसमें डालकर इस गैस को एक बीकर में से पास करो तो क्या होगा? नाउ पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. अब इस गैस को आप जो गैस निकल रही है उसको लाइम वाटर चूने के पानी में से पास करो. ओके, अब चूने के पानी में से जब आप इस गैस को पास करोगे तो आप देखोगे कि केमिकल चेंज होगा. क्या होगा? जो चूने का पानी है वो एकदम मिल्की हो जाएगा, एकदम दुधिया वाइट हो जाएगा, मिल्की वाइट होगा, ठीक है. इससे ये पता चलता है जो गैस निकल रही है वो CO2 गैस है, क्योंकि CO2 गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की बनाती है. इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. सो इसलिए आपका जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा? मिल्की. मिल्की क्यों हुआ?
क्योंकि नई चीज़ बन गई कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट एकदम वाइट होता है, जैसे चौक है ना, चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वैसा कलर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हुई है, यहाँ क्या केमिकल रिएक्शन हुई, आपने विनेगर लिया, ठीक है, एसिटिक एसिड, जिसको साइंटिफिक नेम इसका एसिटिक एसिड है, आपने विनेगर लिया प्लस बेकिंग सोडा, उसमें बेकिंग सोडा डाला, ठीक है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कई जगह आप इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी देखोगे, तो हाइड्रोजन की जगह बाय भी लिखा रहता है, बी आई बाई, ओके, कई जगह। तो विनेगर में आपने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक पिंच, तो क्या केमिकल रिएक्शन हुई, एरो के राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में अदर सब्सटेंसेस बनेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन जो गैस निकली, वो कौन सी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस यहाँ पर निकली है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई। इस केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन से समझ सकते हैं, केमिकल रिएक्शन दिखाइए, देखो जैसे ये जो सेटअप है 6.5 उसमें ये केमिकल रिएक्शन का सेटअप दिखाया है। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने विनेगर लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या क्या लिया, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा लिया, ओके, और फिर केमिकल रिएक्शन हुई, उस गैस को आपने कॉर्क लगाकर टेस्ट ट्यूब में एक दूसरी डिलीवरी ट्यूब से आपने उसको एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में पास किया, जहाँ पर आपने लाइम वाटर बना रखा था, चूने के पत्थर को पानी में घोलकर तैयार कर रखा था लाइम वाटर को, और उसमें से जब वो गैस पास हुई कार्बन डाइऑक्साइड, तो लाइम वाटर आपका एकदम मिल्की हो गया, ठीक है, मिल्की हो गया। तो क्या हुआ, जब आपने CO2 गैस, क्या केमिकल रिएक्शन हुई बेटा यहाँ पर, तो CO2 गैस को जब आपने लाइम वाटर में से पास किया, लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ये टू दोनों पर है, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है। जब आपने CO2 गैस इसमें से पास की तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, CaCO3 प्लस वाटर बना H2O, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हुई यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखा कि लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस होता है, CO2 गैस पास होने पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि मिल्की कलर का होगा, और साथ में वाटर बाहर निकलेगा। तो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, सेवन्थ लेवल पे याद होने चाहिए बच्चे को कि लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इसके बाद में क्या होगा आगे, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि लाइम वाटर को क्या बना देगा, मिल्की बना देगा, ओके। सो द टर्निंग ऑफ द लाइम वाटर इंटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब केवल लाइम वाटर को मिल्की कौन बनाता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस ही बनाती है, और कोई गैस नहीं बनाती लाइम वाटर को मिल्की। इसका मतलब ये टेस्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक टेस्ट है, जिससे आप बता सकते हो कि निकलती हुई गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, ओके। सो जब हमारे यस सेम एक्सपेरिमेंट ये भी है कि जब हम जब गैस बाहर निकालते हैं मुंह से, जो गैस निकलती है ब्रीदिंग के दौरान, वो जो होती है वो CO2 गैस होती है, तो एक्सहेल करने के दौरान अगर आप इस गैस को लाइम वाटर में से पास करोगे तब भी लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं। नाउ इन दीज एक्टिविटीज 6.6 एंड 6.8 यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वर फॉर्म्ड। सो इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न्ड। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड, इट प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर, बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टूगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। सो बेटा हर जितने भी हमने देखा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल, चाहे कॉपर सल्फेट वाली एक्टिविटी का एग्जाम्पल, चाहे विनेगर एंड बेकिंग सोडा की जो एक्टिविटी है उसका एग्जाम्पल, हर बार कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। तो ये सारे जो हमने देखे चेंज है, किस तरह के चेंज हैं, सब के सब केमिकल चेंज है, क्योंकि हर बार एक नया सब्सटेंस बना है, ओके। सो केमिकल चेंज की क्या डेफिनेशन है, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, जहाँ एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बने वो केमिकल चेंज होता है।
तो अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ केमिकल चेंज होगा. वहीं होगा जहाँ केमिकल रिएक्शन होगी वहीं पर केमिकल चेंज होगा. ठीक है. सो केमिकल चेंज बेटा हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. केमिकल चेंजेस कैसे कैसे? केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस. फॉर एग्जांपल, इफ ए मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड, इफ ए मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर सच एज आयरन, फ्रॉम द आयरन ओर वी नीड टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. अगर हमें एक आयरन के ओर में से, नेचर में जो ओर मिलता है उसमें से आयरन को निकालना है, प्योर आयरन को, तो हमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे. जो आयरन की बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, जो कारखाने होते हैं जहाँ आयरन को निकाला जाता है, प्योर आयरन को, तो बहुत सारे केमिकल चेंज के स्टेप्स होते हैं, तब जाके आयरन मिलता है. ठीक है. तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज. इसी तरह से मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेंज ऑफ चैन ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो मेडिसिन हम बाज़ार में आती है, मार्केट्स में जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, इतनी सारी मेडिसिन होती हैं, वो सब केमिकल चेंज से ही बनती हैं. ठीक है. वो लैब्स में जो बनती हैं वो केमिकल चेंज के कारण ही बनती है. तो मेडिसिन आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज. यूजफुल न्यू मटीरियल्स सच एज प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस बाई केमिकल रिएक्शंस. डिटर्जेंट्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, सब केमिकल रिएक्शन से ही, केमिकल चेंज से ही बनते हैं. सो बेटा जितने भी न्यू मटीरियल्स हैं वो दे आर डिस्कवर्ड बाई स्टडिंग केमिकल चेंजेस. ओके. सो ये सब केमिकल चेंजेस के कारण ही ये सारे मटीरियल्स बन पाते हैं. ओके. नाउ वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज. जब एक केमिकल चेंज होता है तो एक या ज़्यादा सब्सटेंसेस बनते हैं. ओके. सो केमिकल चेंज जहाँ भी होगा इनमें से कुछ ना कुछ ऑब्जर्व हो सकता है. ये फॉलोइंग चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं केमिकल चेंज के दौरान. कैसे कैसे? हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल, मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व. केमिकल चेंज के दौरान हीट, लाइट या कोई रेडिएशन निकल सकती है. साउंड में भी प्रोड्यूस केमिकल चेंज के दौरान आवाज़ निकल सकती है. ठीक है. चेंज इन स्मेल मे बी टेक्स प्लेस. स्मेल में चेंज हो सकती है केमिकल चेंज के कारण. स्मेल चेंज हो सकती है, कोई नई चीज़ बन रही है तो उसकी स्मेल दूसरी हो सकती है. यस, जब कर्ड बनता है उसकी स्मेल अलग होती है, पके हुए खाने की स्मेल अलग होती है. ओके. इसी तरह से एक कलर में भी ऑल्सो, कलर चेंज में ऑल्सो टेक्स प्लेस. केमिकल चेंज हो रहा है तो कलर में भी चेंज हो सकता है. ठीक है. तो केमिकल, जैसे कि मैंने कॉपर सल्फेट वाला एग्जांपल बताया, नीले से हरा रंग हो गया, तो केमिकल चेंज में कलर चेंज भी हो सकता है. एक गैस में भी फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में कई बार गैस भी बाहर निकलती है. तो ये सारे चेंजेस एक केमिकल चेंज के दौरान हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. जहाँ कहीं केमिकल चेंज होगा वहाँ हमें सारे चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ यू सॉ दैट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ ए केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. तो बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज. बर्निंग ऑलवेज अकॉम्पेंड बाई प्रोडक्शन ऑफ हीट. देखो कोई भी बर्निंग प्रोसेस होगा वो केमिकल चेंज ही होगा, क्योंकि बर्निंग के दौरान O2 गैस यूज होती है, ऑक्सीजन गैस. और जो कोई चीज़ बर्न होती है, बर्न होने के बाद CO2 गैस बाहर निकलती है और साथ में हीट भी निकलती है. तो नई चीज, और जो ऐश बन रही है वो भी अलग होती है. तो कोई भी चीज़ जलेगी, चाहे पेपर जलेगा, वुड जलेगा, है ना, लकड़ी जल रही है, कोल जल रहा है, तो वो एक क्या है, केमिकल चेंज का ही एक एग्जाम्पल है. तो वी कैन से बर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज. ओके स्टूडेंट्स, गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. ओके स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.